कामदेव जैसे ही दूसरा बाण छोड़ना ही चाहते थे, शिव जी ने अपनी अपना तीसरा अंग खोला। जैसे ही तीसरा अंग खोला, कामदेव भस्म हो गए और वो कामदहन की विराटी। ऐसा ही वसंत ऋतु था। सब जब कामदेव जब चल गए तो रति कामदेव की पत्नी विभ्रात हो गई। लोक कल्याणार्थ मेरा पति है, कार्य करना चाह रहा था, हे देवताओं आपने मेरे पति को शिवजी के पास भेजा, आज मेरा यह तो पति तो जल गया, अब आगे कैसा। संसार में सभी को भी ये बाधा आरंभ हो गई, अगर काम जल जाता है तो प्रकृति का उत्थापन कैसे हो, प्रकृति में स्त्री पुरुष कैसे मिले, स्त्री पुरुष का ये सौंदर्य कहाँ से जाए। और शिवजी समाधिस्थ हो गए। शिवाजी जैसे शिवजी समाधिस्थ हो गए, सभी देवताओं ने विचार किया कि ये क्या हुआ। भगवान विष्णु धैर्य करके शिवजी के पास गए और कहा, प्रभु ये आपने क्या कर दिया, संसार की सृष्टि कैसे हो, जब काम जल गया तो सृष्टि कैसे हो और ये आगे कैसे चले, क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या आप सृष्टि को रोकना चाहते हैं, इस संसार में कुछ नहीं रहना चाहिए। विष्णु भगवान के कहने पर शिवजी शांत हो गए और कहा कि हे विष्णु अब मुझे क्या करने के लिए कहते हो, तो एक बार फिर काम को जगा दो, काम जो दहन जिसका दहन हुआ है उसको जगा दो। शिव जी ने कहा जब मेरे तीसरे अंग से कोई जल जाता है तो वो फिर पुनः जीवित होना तो एकदम कठिन है, लेकिन मैं इसका उसको पुनर्जन्म देता हूं। जब हे विष्णु तुम इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लोगे तब यह तुम्हारे ही पुत्र होकर जन्मेगा और तब इसका रति के साथ विवाह होगा और वह समय संसार का सर्वश्रेष्ठ आनंदी समय होगा जब वह जन्म लेगा। फिर आनंद के साथ इस काम वृत्ति को, इस संसार के उस श्रृंगार को, उस सुंदरता को फिर जगा देंगे। तो बोले तब तक सृष्टि कैसे हो, तब कहा कि यह अदृश्य रूप से सभी पुरुष और स्त्रियों में अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। तब कामदेव अदृश्य रूप से अपना काम कर रहे थे और भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी तपस्या क्यों भंग की, तो उन्होंने कहा ये देखो माता सती ने फिर जन्म लिया है और आज सूख कर लकड़ी हो गई है, वह वायु भक्षण करते हुए तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है। शिवजी के मन में फिर प्रेम जागा। शिवजी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के पास जो तपस्या कर रही थी गए और उनके इसको कहा कि इस पार्वती से मैं बात करना चाहता हूँ। तो माता पार्वती ने कहा कि कौन है, कोई ब्राह्मण आया है तो पूजा के लिए जाने से उसने फूल अक्षर सब लेकर गई और ब्राह्मण की पूजा करने गई। तो ब्राह्मण ने पूछा कि हे पार्वती तुम क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो, इतनी कड़ी तपस्या किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं शिवजी से ब्याह करना चाहती हूँ, शिवजी से विवाह करना चाहती हूँ इसलिए। तो ब्राह्मण ने हंस के कहा उस शिवजी से जो शमशान में बैठा हुआ है, जो मृगचर में डालता है, जिसके पास कुछ धन है ना कुछ नहीं, शमशान में बैठता है, समाधिस्थ बैठता है, जिसका नंदी वाहन है, जो शंख लेकर भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा के लिए घूमता है, ऐसे शिव से साधना करते, अरे कोई अच्छे देवता को क्यों नहीं चुनती जो तुम्हारे को पूर्ण ऐश्वर्य दे सकता है, सुख दे सकता है, आनंद दे सकता है। माता पार्वती का गुस्सा बहुत बढ़ गया और कहा हे ब्राह्मण और एक शब्द भी तूने आगे बोला तो तुझे श्राप दे दूंगी, मुझे मैं शिव जी से प्रार्थना मैं शिव से प्रेम करती हूँ और प्रेम में यह सब कुछ देखा नहीं जाता हो कि काला है गोरा है भिक्षावान है क्या करता है क्या नहीं, ये सब देखा नहीं जाता, मैं केवल और केवल शिव जी से प्रार्थना शिव से प्रेम करती हूँ और तो आगे एक शब्द भी बोला तो शापग्रस्त हो जाएगा। तब ब्राह्मण के रूप में वेशधारी शिव जी प्रसन्न हो गए और कहा कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो मैं हमारी शादी का मुहूर्त निर्णय करो। भगवान नारद विष्णु सब लोग पुष्प वर्षा हुई, दोनों का फिर परिणय विवाह होना तय हो गया, विवाह हुआ। शिवजी पार्वती का विवाह हुआ। बात आगे चलती गई, त्रेता युग गया, सत्य युग गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग आया, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। श्री कृष्ण गोकुल में जन्म लेकर गायों को चराने जाते थे, उन्होंने पहले अपने माँ से मिट्टी से प्रेम किया, गाय पशु पक्षियों से प्रेम किया, बाद में आयुधों से प्रेम किया,
बाद में गुरु से प्रेम किया, बाद में अपने मित्रों से प्रेम किया, सुदामा जैसे मित्र भी थे। एक एक करते हुए बंधु बांधवों से प्रेम करते गए और उनको एक एक को करते एक एक को प्रेम देते देते हुए आगे बढ़ने लगे। समय आया कि संसार में कंस नाम का राक्षस है और वह बहुत सारी यौवनवान लड़कियों को अपने कारागार में बंधन करके रखा हुआ है। वो दो ही शर्त लगता है, या तुम सुंदर हो तो मेरे साथ संभोग करो, मेरी मेरी हो जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल में सड़ना होगा, यहीं रहना होगा, तुम्हें किसी को, तुम्हारा पति कोई नहीं है। ऐसे उन्हें गोपिकाओं को जो सुंदर थी उनको उलाता, उनको अपने जेल में बंद कर देता और वो अर्थनाद से पुकारती थी, हे प्रभु हमें कौन छुड़ाए, इस कंस से कौन छुड़ाए, कंस ऐसे कर रहा है, किसी पुरुष का, किसी पुरुष में शक्ति नहीं थी, गोपिकाओं में, गोपिकाओं के माता पिताओं में शक्ति नहीं थी, ना भाई बहन में कि कंस के साथ कोई लड़े। लेकिन जब कंस के संहारार्थ कृष्ण और बलराम कृष्ण ने जन्म लिया और कृष्ण आए, कंस को उन्होंने मार दिया। कंस को मार देने की बात सुनते ही सारे कारागार खुल गए, गोपिकाएं बाहर आई और गोपिकाओं ने कृष्ण को देखकर हमारे को इस कंस के राक्षस से आपने छुड़ाया जो हमें बहुत सताता था, सब लोग कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगी। गोपिकाओं के माता पिता भाई बहन सब बाहर आए लेकिन कोई भी गोपिकाओं को अपने पास लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो कंस के साथ छिड़ी गई थी और कंस उनका यौवन बर्बाद कर दिया गया था। न कोई शादी करने के लिए तैयार है, न माता पिता घर को ले जाने के लिए तैयार है, न भाई बहन घर को ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये गोपिकाएं पूर्ण रूप से वो लोग थे ये पापी हैं। उन सब लोगों ने, जब माता पिता बाहर थे तो सभी लोगों ने आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं आने का, तुम पापी हो। सभी लोगों ने, गोपिकाओं ने यह निश्चय कर लिया कि ऐसे जीवन से तो अच्छा हम यमुना में कूद कर अपने अपने प्राण त्याग दें। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं सभी को आनंद बांटूं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, उसने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया और तुम्हारे ऊपर ही अत्याचार किया। अगर मैं तुम्हें बहन बोलकर स्वीकार करता हूं तो तुम्हारी शादी किसके साथ करूं, अगर तुम्हें बेटियां समझूं तो शादी किसके साथ करूं, तुम्हें माता समझूं तो मैं किसका, किस प्रकार का सुख तुम्हें प्रदान कर सकता। तो हे शक्तियां गोपिकाओं, मैं तुम्हारा पति बनकर तुम्हें यह जीवन दान देता हूं कि आज से तुम्हारे ऊपर कोई भी उंगली उठाकर नहीं दिखेगा, मैं पति बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। और उन्होंने 16,000 गोपिकाओं के साथ शादी रचने की बात की और गोपिकाओं का आनंद का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जो पति सामर्थ्यवान हो उस स्त्री को किसी प्रकार का डर नहीं रहता। और 16,000 गोपिकाएं कृष्ण की बन गई और उन्होंने कृष्ण के साथ रहा, तो कोई उंगली उठाकर ये बात कही कि तू पापी है ये कहने का साहस नहीं कर सका, कोई ये बात नहीं कर सका कि तुम दुष्टांता हो, तुमने ऐसा समाज में तुम्हें आने के लिए नहीं। वो गोपिकाओं को भी सब लोग पूछते थे और कृष्ण ने गोपिकाओं के लिए सुंदर सा वृंदावन बनाया और कहा कि तुम यहाँ आनंद के साथ रहो, तुम्हें किसी प्रकार की कमी होने नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में आनंद, सारा आनंद प्रदान करता हूँ, तुम्हें कोई पापी कहने की शक्ति नहीं रहता, चाहे भगवान भी हो। जब श्री कृष्ण की वासी वृंदावन का निर्माण हुआ और गोपिकाएं अपनी अपनी जगह रहने लगी, कृष्ण के अष्टभार्याओं में से कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति हुई जो प्रद्युम्न मन्मथ नाम के नाम से जाना जाता था। उस मन्मथ के जन्म होने के बाद जो वह स्वयं कामदेव का ही अवतार था जो कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त हुआ, तो कृष्ण को अब लगा कि भगवान शिव जी का जो शाप दिया हुआ है उस शाप की निवृत्ति करें, उस शाप को निकाल दें, इसके लिए क्या करना चाहिए। उन्हें बहुत सोचा कि कुछ न कुछ तो विधान होगा। कृष्ण ने एक दिन 16,000 गोपिकाएं कृष्ण के पास आई और कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, हम तुम्हारे पत्नियां तो कहलाई लेकिन ये तो बताओ कि हम उस रास को, उस काम रस को हम किस प्रकार बांट लें, क्या करें। तो कृष्ण ने कहा मेरा बेटा मन्मथ आ गया है, तुम्हारे शरीर में सभी में वो रस खुलेगा और मैं 16,000 शरीर बांटकर 16,000 कृष्ण के रूप में बढ़ जाऊंगा और मैं तुम्हें वो रास आज के दिन दूंगा। वह दिन था, यही कामदहन का दिन, होलिका का दिन, और कृष्ण ने पूर्णिमा की उस रात में वृंदावन में
रास लीला की रचना की।